हे गाइस, व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड। वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द वर्क। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बिलिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हालांकि मैंने इस चैनल में बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है पहले से ही, लेकिन ये जो वीडियो होगा ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप उस स्मार्टफोन पे ये पूरा सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, ये एप्लीकेशन चला सकते हो, और उसके मदद से आप अपने दुकानों में बिल कर सकते हो, आप अपने दुकानों में प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रख सकते हो, आप अपने दुकानों में सप्लायर और कस्टमर को भी मैनेज कर सकते हो, और चाहो तो एक ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो। ये सारा चीज़ एक ही एप्लीकेशन में आप कर पाओगे। नॉर्मली हम लोगों ने देखा हुआ है, जो हमने आप लोगों को बताया हुआ, जो हम लोग रिटेल में यूज़ करते हैं ना, उसमें MRP वाइज बार, मतलब बैच वाइज या फिर MRP वाइज हम लोग बिलिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप MRP वाइज भी बिलिंग कर सकते हो। मान लो कि एक ही प्रोडक्ट है, उसका जो पुराना स्टॉक है उसका कुछ अलग MRP है, जो नया स्टॉक आया उसका कुछ अलग MRP है। तो जब आप उसको स्कैन करके बिल करोगे ना, तो आपको ये ऑप्शन भी दिखेगा कि आपको पहला वाला बेचना है या नया वाला बेचना है, वो 50 रुपये वाला MRP का बेचना है या फिर 60 रुपये वाला MRP का बेचना है। तो ये सारा चीज़ भी इसमें है, तो जिसलिए मुझे ये बहुत एप्लीकेशन बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के लिए। शायद ये एप्लीकेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना आप पूरा देखो ताकि पूरा चीज़ आपको समझ में आए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है किराना फास्ट। आपको ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्चुअली किराना स्टोर के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके पास एक छोटा मोटा किराना स्टोर है और आप चाहते हो कि आप मोबाइल से बिलिंग करना, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ ये एंड्रॉयड पे नहीं चलता, आपके पास अगर iOS है, मतलब आईफोन है, या फिर आपके पास अगर विंडोज़ पे PC है, जैसे कि PC में मैंने खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पे देखो खोल के रखा हुआ है, दोनों जगह पे सेम ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप बिल कर सकते हो, यहाँ पे भी बिल कर सकते हो, और ये लाइव सिंक्रोनाइज होता है। अगर मान लो आपके पास दो अलग अलग काउंटर है, या फिर आप मान लो कि दो काउंटर पे आप सिर्फ बिलिंग करोगे, अलग एक काउंटर पे आप सिर्फ परचेस एंट्री करोगे, तो इसके लिए आपको, अगर आप इस तरह की बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको अलग अलग बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। और आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए एक हार्डवेयर का सिस्टम भी आपको चाहिए होगा, लेकिन इस एप्लीकेशन के मदद से आप किसी भी डिवाइस पे इसको चला सकते हो। मतलब मान लो कि आपका जो एम्प्लॉई है उसके मोबाइल पे भी ये चल जाएगा, तो आपका जो हार्डवेयर का कॉस्ट है वो थोड़ा आपका घट जाएगा, कि हार्डवेयर फिर से एक आपको एक अलग से कंप्यूटर लेना नहीं पड़ेगा। और ये एक ही लाइसेंस के अंदर आता है, तो अगर आप अलग अलग कितने भी डिवाइस पे चलाओ, आपको एक ही लाइसेंस के अंदर सभी डिवाइस पे आपको ये लाइव सिंक्रोनाइज भी देगा। इसके साथ साथ मान लेते कि आपका जो बिलिंग काउंटर है उस पर आप एक विंडोज़ बेस्ड सिस्टम लगाना चाहते हो, मेरे जैसा, मैंने जैसे लगाया हुआ है, और आप इसमें एक थर्मल प्रिंटर यूज़ करना चाहते हो, या फिर एक कैश ड्रायर यूज़ करना चाहते हो, बारकोड स्कैनर वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तो इस वाला जो सॉफ्टवेयर है ये सारे हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल भी है। तो इसके लिए भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप मोबाइल पे यूज़ करो, या फिर चाहे आप कंप्यूटर पे यूज़ करो, या फिर चाहे आप आईफोन है आईफोन पे यूज़ करो, या फिर चाहे अगर आपके पास टैब है ना, टैब पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल आपको दोनों जगहों पे बिल करके मैं दिखाता हूँ। और हालांकि ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो एप्लीकेशन है, दोनों सेम ही है, मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास कोई भी डिवाइस हो आप इसको यूज़ कर सकते हो, का मेरा बोलने का मतलब है। कैसे बिल करते हैं इसको मैं वो भी दिखा देता हूँ, कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा और मोबाइल पे भी दिखाऊंगा। ये जो एप्लीकेशन आता है ना, ये एप्लीकेशन पहले से ब्रांडेड FMCG प्रोडक्ट डेटा के साथ आता है, तो आपको हर एक प्रोडक्ट को इसमें मैन्युअली एंट्री करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये पहली बार मैं आपको यहाँ पे बिल कर रहा हूँ, तो इसको मैं बिल करूँगा केक को, तो जैसे मैं इसको स्कैन किया, स्कैन करते ही आपको दिखेगा, देखो ब्रिटानिया केक आ गया यहाँ पे। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करते ही ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़, अगर आप इसको कंप्यूटर पे यूज़ करोगे, बहुत सारे चीज़ आपको कीबोर्ड पे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार माउस यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि ये वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है, फिर भी इन लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आप चाहो तो आप पूरा सिस्टम इसको कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास स्क्रीन टच भी सिस्टम होगा तो आप उस पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बिल कर सकते हो। उसके बाद बिल हो जाने के बाद पूरा चीज़ क्रिएट बिल पे आपको यहाँ पे दिखा रहेगा शिफ्ट एंड एंटर, तो शिफ्ट एंड एंटर जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे बिल क्रिएट हो जाएगा। बिल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखो, आप व्हाट्सएप से यहाँ पे शेयर कर सकते हो, प्रिंट बिल भी कर सकते हो,
और यहाँ पे एक आपके पास QR कोड भी आ जाता है, तो अगर इसको कोई स्कैन करेगा जो 30 रुपये का बिल हुआ है ना, वो 30 रुपये आपके उसके पास आ जाएगा डायरेक्टली, मतलब गूगल पे से फ़ोनपे से जैसे स्कैन करेगा तो। और नया क्रिएट बिल करने के लिए शिफ्ट एंड इन प्रेस करना होगा, तो नया बिल क्रिएट होने के लिए फिर से आ जाएगा। तो मैं ये चीज़ आपको मोबाइल पे भी करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को इस मोबाइल से बिल करके दिखाता हूँ। मोबाइल से बिल करने के लिए सिंपली आप न्यू बिल पे टैप करोगे और ये स्कैन आइटम पे आप जाओगे और किसी भी प्रोडक्ट का जैसे बार कोड के पास लेके जाओगे। देखो ये डाबर हाजमोला आ गया है। अभी मैं ये डाबर हनी को स्कैन करूँगा। जैसे मैं इसको स्कैन पे डालूँगा तो यहाँ पे देखोगे मैंने जो आप लोगों को बताया था इसके अलग अलग MRP दिख रहा है कि 120 रुपये वाला है फिर 99 रुपये वाला है। तो हमको ये पे देखना है कि ये 120 रुपये वाला है, तो हमें चूज़ करना है 120 रुपये वाला। तो 120 रुपये वाला है, तो अगर मल्टीपल क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम इस पे जाके इसको इनक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सिंपली बिटानिया केक भी अगर मैं स्कैन करूँगा तो देखो बहुत ही फास्ट इसका बिल होता है। बिटानिया केक भी हो गया। और लिज्जत पापड़ में अगर स्कैन करूँगा इसका भी देखो 3-4 वेरिएंट ऑलरेडी आ गया है। तो हमें देखना है कि इसका MRP क्या है। इसका MRP है आप देख सकते हो 80 रुपीज़। तो हमें चूज़ करना है 80 रुपीज़ वाला, तो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी टोटल बिल यहाँ पे हो गया है, 4 क्वांटिटी हो गया और 285 रुपीज़ हुआ है। तो अगर कस्टमर, मैं मान लेता हूँ कस्टमर मुझे 500 रुपये यहाँ पे दे रहा है, तो हम लोग इसको 500 डालेंगे और क्रिएट बिल करेंगे। जैसे क्रिएट बिल करेंगे यहाँ पे कैश रिटर्न दिखाएगा 215 रुपये और यहाँ पे ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो कस्टमर चाहे तो अपने फ़ोन पे गूगल पे से इस QR कोड को स्कैन करके पे कर सकता है और डायरेक्टली उसके पास वो ही अमाउंट आएगा जितना आपके आपका बिल है हुआ है। और आप इसको WhatsApp से शेयर भी कर सकते हो, प्रिंट बिल भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक ब्लूटूथ वाला कोई प्रिंटर होगा तो आप उससे प्रिंट भी निकाल सकते हो और एडिट ऑर्डर भी कर सकते हो। और माई स्टॉक पे जाके आप अपना इन्वेंट्री देख सकते हो। आप देख सकते हो कि -1 -1 -1 होके रखा हुआ है क्योंकि मैंने एक ही बिल किया हुआ है, मैंने कोई परचेस किया ही नहीं था, सिर्फ बिल कर दिया, इसलिए वो इस तरीके से दिखा रहा है। माई सप्लायर पे जाके आप सप्लायर को मैनेज कर सकते हो, उधारी भी मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। साथ ही में माई कस्टमर पे जाके आप कस्टमर को भी मैनेज कर सकते हो, उसको भी उधारी दे सकते हो वगैरह वगैरह। खाता भी मेंटेन यहाँ पे हो सकता है। और माई ऑर्डर अगर आप चाहो तो आप एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद आप ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हो और यहाँ से आप डिलीवरी भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप GST रिपोर्ट चाहिए तो टैक्स हमारी यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट मिलेंगे। इन्वेंट्री में सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, एक्सपायरी स्टॉक और यहाँ पे सेल्स का भी आपको रिपोर्ट्स मिलते रहेंगे। साथ ही में आपके यहाँ पे इस मार्केटिंग टूल्स मिलेंगे कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट का डिस्काउंट, बेस्ट सेलर वगैरह, न्यू लॉन्च वगैरह आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर को। और स्टोर कैटलॉग यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिलेगा जो आप देख सकते हो, हाउ टू ऐड आइटम वगैरह वगैरह। तो अभी मैं आप लोगों को इसके प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे फीचर्स के साथ ये सॉफ्टवेयर आ रहा है तो इसका प्राइसिंग क्या होगा, तो प्राइसिंग सुन के भी आप थोड़ा चौंक जाओगे क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है वो डेली एक कप चाय के पैसे से भी कम है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस एप्लीकेशन को दो तरीके से ले सकते हो, पर मंथ के बेसिस पे और पर ईयरली के बेसिस पे। पर मंथ आपको 399 रुपीज़ सबको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा और अगर आप ईयरली बेसिस पे जाओगे तो इसके लिए आपको 299 पर मंथ के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि ईयरली होता है 3588 रुपीज़। और अगर आप मेरे कूपन कोड से इसको परचेस करते हो तो आपको 588 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इसको हिसाब लगाओगे तो पर डे 10 रुपये से भी कम आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब एक चाय के प्राइस से भी कम है इसका प्राइस। आप चाहो तो मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और आगे जाके इसको ईयरली पे कन्वर्ट कर सकते हो। और जितने भी लिंक है, कूपन कोड है वगैरह वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग बताओ ये एप्लीकेशन आपको कैसे लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।